नागरिकता संशोधन कानून वापस लिए जाने की मांग को लेकर सागर शहर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की सभा आयोजित। राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन, बड़ी संख्या में पहुंचे थे मुस्लिम समुदाय के लोग। सागर झील के किनारे मराठा शासनकाल में बनाई गई ऐतिहासिक नजरबाग बिल्डिंग को तोड़ने की कार्यवाही फिलहाल रुकी। इसे रोकने इंटेक्स सागर चैप्टर ने आग आकर की थी पहल। किले के परिसर में बना है नजरबाग। सागर जिले के देवरी में वन विभाग टीम ने गश्त के दौरान दो जगहों से अवैध सागौन की लकड़ी जब्त करते हुए चार आरोपियों को किया गिरफ्तार। तकरीबन 27,000 रुपए बताई जा रही है लकड़ी की कीमत। दमोह जिले के हटा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुनाल नदी में कई घंटों की मशक्कत के बाद बरामद हुआ युवती का शव। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से चलाया था रेस्क्यू। पुलिस कर रही है मामले की जाँच। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भू माफियाओं पर कार्रवाई करने प्रशासन को दिए गए निर्देश का लगातार होता दिख रहा है पालन। एमपी के इंदौर में नगर निगम की टीम ने अवैध रूप से बनी 3 मंजिला इमारत को डायनामाइट लगाकर ढाया। चंद सेकंडों में ही भर भराकर गिरी बिल्डिंग। आने वाली 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस मनाने के लिए सागर जिले के गढ़ाकोटा नगर में विभिन्न शासकीय और अर्धशासकीय स्कूलों में हो रही है रिहर्सल। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने की प्रैक्टिस। सागर जिले के गढ़ाकोटा नगर के सुभाष वार्ड में घोराई देव की स्थापना के साथ ही 3 दिवसीय शिवलिंग निर्माण, जहां बेलपत्र पूजन अभिषेक समेत किए गए विभिन्न आयोजन। बड़ी संख्या में रहवासियों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। सागर जिले के शाहगढ़ में बम्होरी मार्ग पर अज्ञात लोगों ने काट दिया कीमती सागौन का पेड़। वही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पेड़ की करीब 30,000 रुपए कीमत की लकड़ी की जब्त। अज्ञात लोगों की तलाश जारी। सागर जिले के खुराई के रेलवे गेट नंबर 7 के पास डाउन ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिलने से पहली सनसनी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले को लिया जांच में। एमपी के नरसिंहपुर में टैंकर से पानी सप्लाई करने पहुंचे नगरपालिका कर्मचारी से हुई मारपीट। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला किया दर्ज।